हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब भी ठीक ही होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो मैं तोरई के छिलके ले रही हूँ, जिससे कि हम अपने जो है सफ़ेद बालों को काला कर सकते हैं, वो भी 3 से 4 बार इसे यूज़ करने के बाद। तो यहाँ मैंने जो है 1 गिलास पानी ले लिया है, फ्राई पैन में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है और गैस को मैंने तेज़ आँच पर रख दिया है। तेज़ आँच में जो है तोरई के छिलकों को मैंने इसमें डाल दिया। अब आपको पता है कि तोरई के छिलकों का इस्तेमाल करने से बालों को काला तो किया जा सकता है, साथ के साथ हमारे बालों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और इसके अंदर जो है मैंने 1 गिलास पानी के साथ साथ जो है इसमें तोरई डाल दिया है। और अब देखिए, इसको पानी को अच्छे से बॉयल होने देंगे। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाए तब हम अपनी रेमेडी में इसे यूज़ करेंगे। तब आप देखेंगे इस तेल से जो हल्का सा जो गर्म जो करके जो हम स्टोर कर सकते हैं, हम जब भी कोई रेमेडी बनाते हैं तो वहाँ पर इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अब आपको पता है कि तोरई के छिलके के जो पानी होता है, इसे सिर्फ इसी से मसाज करने से भी आपके बाल जो है काले होने लग जाएंगे। तोरई के जो छिलके होते हैं, इसके अंदर जो एंजाइम होता है बालों की जड़ों में जाके रंग द्रव्य मेलामाइन को बेहतर कर सकता है। तो देखिए, यहाँ जो मेरी रेमेडी स्टार्ट होने वाली है, तो देखिए मैंने यहाँ जो एक जो है कांसे की ये कटोरी ली है। यहाँ हमने स्टील की कटोरी नहीं लेनी है, ना कांच का बाउल लेना है। ये हमारी रेमेडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा, बालों को जो है बहुत ही एक अच्छा जो है हमारे बालों को काला का रंग देगा। साथ के साथ आपके बालों में जो बहुत ज़्यादा जो है बालों की परेशानियाँ थी, बाल बहुत ज़्यादा फीजी हो रहे, ड्राइनेस हो रही है, बाल बढ़ नहीं रहे, हमारे ग्रोथ नहीं हो पा रही, वो सारी समस्या भी आपकी जो ठीक हो जाएगी। और हम इसके अंदर जो है काफ़ी सारी ऐसी रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ जो आंवला पाउडर ले लिया है। अब आंवला पाउडर आपको पता है ये सभी के पास मिल जाता है, विटामिन सी होता है, आप ऑनलाइन भी इसे परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैंने जो है अमेज़ॉन से इसको जो परचेज़ किया था, हर्बाटॉनिक कंपनी का था, यहाँ मैंने आंवला पाउडर ले लिया है 1 चम्मच। 1 चम्मच के साथ साथ आप इसके अंदर जो है थोड़ी सी इसमें हम मेहंदी पाउडर डालेंगे। आप इसमें मेहंदी पाउडर की जगह आप नीम पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर जो मेहंदी पाउडर ले लिया है। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अच्छे से देखिए इनका कोई कण ना रह जाए। उसके बाद जो हमने तोरई के छिलके का जो पानी बनाया था वो हमने इसके अंदर ऐड करते रहना है। और हाँ, इसमें ऐड करेंगे तो पहले थोड़े थोड़े क्वांटिटी से हमने ऐड करना। देखिए कितने सारे तोरई के छिलके का पानी हमने लिया था और वो तो काफ़ी ज़्यादा बॉयल होकर आधी गिलास से भी काफ़ी कम रह गया है। आप इसे स्प्रे के रूप में भी अपने बालों को वॉश करने से पहले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बालों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो देखिए इस तरीके के तोरई के छिलके जो काफ़ी ज़्यादा सूख से जाते हैं बॉयल करने के बाद, और इनको करने के बाद देखिए इनका कलर जो है हल्का हल्का डल होना भी शुरू हो चुका होता है। और ये आप जो है इसके अंदर ब्लैक टी का जो पानी होता है बॉयल करके, इन दोनों को मिक्स करके भी आप बालों पे स्प्रे कर सकते हैं। यहाँ मैं देखिए 2 से 3 चम्मच लूँगी और इन रेमेडी में इसमें ऐड करूँगी। आपको एक साथ बहुत सारा नहीं लेना है और इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। आपको बस अपने सफ़ेद बालों पे इसको लगाना है, वो भी आधे घंटे के लिए लगाइएगा और देन उसके बाद अपने बालों को वॉश कर दीजिएगा शैम्पू कंडीशनर से। और अगर हो सके तो आप इस रेमेडी को रात में भी बना के रख सकते हैं और नेक्स्ट डे आप इसे लगाएंगे। तो देखिए ये जो रेमेडी है इसमें काफ़ी ज़्यादा कालापन आ जाएगा। और इसे हो सके तो कांसे की कटोरी में बनाएं, ये हमारे बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा रहता है, कोई भी हार्मफुल नहीं होता। देखिए इसमें जो अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, बस इसी तरीके से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमारे बालों की रेमेडी के लिए तैयार हो। आप लोग देखिए इसके अंदर आप आंवले के साथ साथ मेथी पाउडर भी डाल सकते हैं, कलौंजी का पाउडर भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पर जो मैंने 2 से 3 चीज़ें से ही हम जो है सफ़ेद बालों को काला करके दिखाएंगे। बस अपने कुछ महीनों तक इसे यूज़ कीजिएगा, देखिए करने के बाद आपकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। बस इसी तरीके से इस रेमेडी को बनाइए और लगाइए अपने बालों पर। और बालों का ध्यान रखने के लिए साथ साथ आपको जो अपने बालों पर इसे स्प्रे भी कर सकते हैं और ये ऑयलिंग भी आप जो है बालों की कर सकते हैं। इसमें आप कुछ 4 से 5 बूंदें जो है ऑयल भी डाल सकते हैं, नारियल का तेल है, जड़ी बूटियों का तेल है, आदिवासी हेयर ऑयल है, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ जो है मैंने थोड़ा सा इसमें तेल भी ऐड कर रही हूँ 2 से 4 बूंद। इन सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप अमेज़ॉन से भी इसे परचेज कर सकती हैं। यहाँ आप मेहंदी को स्किप करके आप कोई और जो है नीम पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सभी चीज़ों को ले लिया है। देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल ले लिया है, नारियल तेल को हमें ज़्यादा नहीं लेना है, 5 से 7 बूंदें इसको लेनी है। अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा क्योंकि बालों में एक मॉइस्चर सा आ जाएगा, बालों में जो है ह्यूमिडिटी जो होती है बालों की वजह से जो काफ़ी पसीने आना शुरू हो जाता है, बहुत बदबू आनी शुरू हो जाती है, वो सारी आपकी उससे निजात मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो यूज़फुल और हेल्पफुल लगी होगी। देखिए इस तुरई के छिलकों का यूज़ जो है आप ज़रूर कीजिएगा, इसे फेंकिएगा मत। चलिए फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।